ओके प्रणव, गुड मॉर्निंग, मैरी क्रिसमस। कॉम्प्लेक्स नंबर में लास्ट टाइम आपने पढ़ा था इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, उसी पर बेस अपन कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर फर्दर टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर 39। आयोटा पावर 39 का वैल्यू कितना होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर 39। ऑप्शन है आपके वही 1 -1, i -i, इन चार के बाहर वैल्यू जाती नहीं। सो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर 39, कितना आएगा आंसर? ओके, करेक्ट आंसर है मयूर, वेरी गुड। ऋषभ बोधे करेक्ट है, मानसी करेक्ट है, आयुष करेक्ट है। संस्कृति इंगले करेक्ट, वेरी गुड। तो 39 को 4 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीटली डिवाइड होता है और रिमाइंडर 3 छोड़ता है। आयोटा पावर 39 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 39 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, खुशी करेक्ट है। व्हेन 39 डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर इज 3, तो फाइनल पावर आयोटा पावर 3 बचेगा, एंड आयोटा पावर 3 का वैल्यू होता है -i, सो -i इज द करेक्ट आंसर। इनको नहीं समझा, 4 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज आयोटा पावर 3, इट्स वैल्यू इज -i, सो इसका वैल्यू हो जाएगा -i। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर 1, आयोटा पावर 2, अप टू आयोटा पावर 101। आपके ऑप्शंस वही हैं -1, -i, और लास्ट ऑप्शन है +i। तो यदि आयोटा के 1 से लेके 101 तक कंसेक्यूटिव पावर दिए हैं, सो मयूर अगेन करेक्ट है, मानसी करेक्ट है, वेरी गुड। केवल 2 करेक्ट आंसर, प्रणव चेक करें। ऋषभ बोधे चेक करें, अर्जुन पाली करेक्ट है, वेरी गुड। आयुष करेक्ट है, ऋषभ अभी भी चेक करें, क्या हो गया ऋषभ? यदि सवाल रॉन्ग हो जा रहे हैं, पूर्वा करेक्ट है, हर सोमवार से चेक करें। संस्कृति इंग्ले करेक्ट है, ओके, सो हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन इज 4th ऑप्शन, आई इसका सही आंसर है। और आपने ये पढ़ा है कि सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा हमेशा 0 होंगे, इसलिए जब आप इसकी शुरुआत करेंगे तो चार चार के पेयर आपने बनाने, आयोटा पावर 1, आयोटा पावर 2, आयोटा पावर 3, आयोटा पावर 4,
ये जीरो हो जाएगा सम, फिर आयोटा पावर फाइव सिक्स सेवन एट ये भी जीरो हो जाएगा। इस तरीके से पेयर बनेंगे आयोटा पावर 97, 98, आयोटा पावर 99, आयोटा पावर 100 और लास्ट में आयोटा पावर 101 रह जाएगा। तो जितने भी ये चार चार के पेयर हैं वो तो सब जीरो बना देंगे, केवल आयोटा पावर 101 बचेगा। 101 डिवाइडेड बाई 4, रिमाइंडर इज 4, सॉरी रिमाइंडर इज 1, तो फाइनल पावर आयोटा पे 1 बचेगी। जितने भी ये कॉन्जिक्यूटिव पावर्स हैं इन सब का सम तो जीरो हो जाएगा। तो 100 तक 25 पेयर बनेंगे, वो 25 की वैल्यू जीरो आएगी, ये सब जीरो 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 यहाँ तक सब जीरो हो जाएंगे, केवल आयोटा पावर 101 बचेगा एंड आयोटा पावर 101 का वैल्यू आई आता है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है अगेन। तो फर्स्ट का भी फोर्थ है, लास्ट का भी, सेकेंड का भी फोर्थ है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इफ x इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x पावर 4 प्लस 4। x पावर 4 प्लस 4 का वैल्यू कितना आएगा? आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज 0, सेकंड ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन 2 एंड फोर्थ ऑप्शन 3। व्हिच वन इज करेक्ट? If x equals हाँ ये लो लेके जाओ मानसी, पहले फोन लगा के रख, फोन देखने का नहीं है, हाँ ना जी मैं पासवर्ड देखने की। मानसी करेक्ट है, वेरी गुड मानसी। ऋषभ बोधे करेक्ट है, ऐसा ही कीप इट अप, फाइनल तेजी से करें थोड़ा सा। के प्रणव चेक करें रॉन्ग है, संस्कृति इंग्ले करेक्ट है, मयूर चेक करें रॉन्ग है, क्या हो गया भाई? आयुष चेक करें रॉन्ग है, क्वेश्चन माइनस आई आता है। मयूर अगेन चेक करें, आयुष चेक करें, अर्जुन पाली चेक करें, पूर्वा चेक करें, आयुष चेक करें। चलिए देख लीजिए, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑप्शन, जीरो आता है इसका आंसर। और देखिए हाउ टू अप्रोच दिस सम, तो सॉल्यूशन में वी गिवन दैट x इक्वल्स टू 1 प्लस i, हमको x पावर 4 चाहिए, तो फर्स्ट वी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड 1 प्लस i का स्क्वायर, तो 1 प्लस i का स्क्वायर की जो वैल्यू है कल आपको बताई थी 2i आती है, तो x स्क्वायर 2i आता है, देयरफॉर x पावर 4 करेंगे अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x पावर 4 का जो वैल्यू है ये 4 आयोटा स्क्वायर आएगा, मतलब x पावर 4 की वैल्यू माइनस 4 आती है, देयरफॉर x पावर प्लस 4 का वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज 0, x आपको 1 प्लस i दिया था और x पावर 4 प्लस 4 की वैल्यू 0 आएगी। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इनमें से किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो पूछ लीजिए।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेयर ऑफ सम, कुछ और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसके आप आंसर करें और फिर अपन कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। ये लास्ट सेक्शन जो कल आपने पढ़ा था, इंट्रीगल पावर्स ऑफ आयोटा, उन पर क्वेश्चन कर रहे हैं। ये तीन क्वेश्चन हैं, फर्स्ट का फोर्थ ऑप्शन आता है माइनस आई, सेकेंड का भी फोर्थ ऑप्शन आता है प्लस आई, और थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है जीरो। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज कल आपने लिखी हैं उन प्रॉपर्टीज पर बेस क्वेश्चन है। एंड मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम्स, ओके ऋषभ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सामने मेंशन करें, प्रतीक मालवीय दोनों करेक्ट हैं, मयूर दोनों करेक्ट हैं। सर सिक्स का भी भेजा, हाँ भेजो, देख रहा हूँ। प्रणव कौन सा, 4, 5, 6 दोनों तीनों भेजा सर। ओके प्रणव कौन से क्वेश्चन का आंसर है भेजो। अथर्वा करेक्ट है, मानसी करेक्ट है, आयुष करेक्ट है, प्रतीक मालवीय करेक्ट है, मयूर करेक्ट है, प्रणव ऑप्शन क्वेश्चन नंबर मेंशन करो, मानसी तीनों करेक्ट है, वेरी गुड, अरमान करेक्ट है, प्रणव फोर्थ का चेक करो, प्रणव रॉन्ग है। अक्षद फोर्थ चेक करो, रॉन्ग है। पूर्वा
करेक्ट है फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। ऋषभ बोधे तीनों करेक्ट हैं, अथर्वा फिफ्थ करेक्ट है, मयूर तीनों करेक्ट हैं, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। आयुष फोर्थ क्वेश्चन चेक करो, रॉन्ग है। संस्कृति इंग्लिश दोनों करेक्ट हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ। अक्षत फिफ्थ करेक्ट है, नहीं अक्षत फिफ्थ चेक करो, अरमान फिफ्थ करेक्ट है। ऑफिस हर सोमवार ते फिफ्थ करेक्ट है। ओके चलिए, सो हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दीज क्वेश्चंस। जिन बच्चों का नहीं आया वो देख लें, कल जो आपने इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा पढ़ा था उन्हीं पर बेस क्वेश्चन है। तो करेक्ट ऑप्शंस बी ए और बी, दीज आर दी करेक्ट ऑप्शंस। -1, 0, -1। अब फर्स्ट क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है ये आयोटा पावर 200 तक तो सब जीरो हो जाएगा, आयोटा पावर 1, आयोटा पावर 2 और आयोटा पावर 203। तो 200 तक तो सब चार चार के पेयर बनाएंगे, 50 बनेंगे, वो सब जीरो हो जाएगा। फिर आपके पास आयोटा पावर 201 बचेगा, आयोटा पावर 202 बचेगा और आयोटा पावर 203 बचेगा। रिमाइंडर 1, 2, 3 बचेंगे और आप जानते हो आयोटा पावर 3 माइनस आई होता है तो प्लस आई से कैंसिल हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1। तो सिग्मा जब ओपन करेंगे तो आयोटा पावर 1 से 200 तक सारी वैल्यू जीरो हो जाएंगी, चार कॉन्जिक्यूटिव पावर्स के सम बनेंगे वो सब जीरो होते चले जाएंगे। केवल अब आपके पास आयोटा पावर 201 प्लस आयोटा पावर 202 प्लस आयोटा पावर 203 बचेगा। जब आप इसको चार से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आयोटा पावर 1 प्लस आयोटा पावर 2 प्लस आयोटा पावर 3 जिसका वैल्यू आता है -1। अगेन जो फिफ्थ क्वेश्चन है आपने अभी इस टाइप का क्वेश्चन ट्राई किया था, सॉल्यूशन में अपन एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे विच इज 1 प्लस आई का स्क्वायर विच गिव्स यू 2i एंड देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2i का वैल्यू बिकम्स 0। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर 0 आता है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। सॉल्यूशन में ये जो आपको समीशन दिया k फ्रॉम 1 to 2011 1 upon, ये देखिए आयोटा पावर 4 का जो मल्टीपल है वो तो सीधा आप हटा देंगे तो ये केवल आयोटा पावर k रह जाएगा। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो चार चार कॉन्जिक्यूटिव पावर्स का सम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया अभी। तो 1 upon iota power 1 plus 1 upon iota power 2 up to 1 upon iota power 2008, ये चार चार पेयर जब आप बनाएंगे तो यहां तक की वैल्यू सब जीरो आ जाएंगी, क्योंकि आयोटा पर 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर लो या आयोटा के रेसिप्रोकल पर 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स लो, हमेशा सम जीरो आएगा। अब इसमें 3 पावर्स आपकी, ये तो जीरो हो जाएगा पूरा कॉम्बिनेशन यहाँ तक, फिर ये बचेगा 1 upon iota power 2009
जो कि आयोटा पावर वन होगा, आयोटा पावर टू होगा और 2011 आयोटा पावर थ्री होगा। अब आप इनको कैलकुलेट कर लें तो ये जो वन अपॉन आई है और वन अपॉन आयोटा क्यूब है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर दे देगा आपको माइनस वन। सो करेक्ट आंसर इज माइनस वन। तो ऑप्शंस बी ए एंड बी आर करेक्ट। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इनमें से किसी सॉल्यूशन में आपको डाउट है तो पूछिए। चलिए, सो ये हैं इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। तो दो बातें आपने अभी तक डिस्कस करी, एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन है, उसमें आपने कल रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, साथ में कब कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा। जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एज वेल एज रियल नंबर। एंड इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा आपने पढ़े, उस पर बेस हमने कुछ क्वेश्चन बनाए भी। नाउ मूविंग ऑन टू इट्स नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज मॉड्यूलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डेफिनेशन ऐसा डिफाइन करेंगे, इफ जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन इट्स मॉड्यूलस is denoted by mod z and defined as mod z is equals to mod x plus iy is equals to square root over x square plus y square. That means it is square root over real part of complex number plus imaginary part of the complex number. किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस उसके दोनों पार्ट के स्क्वायरिंग के सम का स्क्वायर रूट होता है, दिस इज मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ज्योमेट्रिकली ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या डिनोट करता है तो वो भी आप समझ लें। यदि आप इसको ज्योमेट्रिकली समझेंगे तो when we plot this complex number in complex plane, this is our complex plane, ये आपका real axis है और ये imaginary axis है। and when we plot this complex number in this complex plane, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ पॉइंट, यह है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। एक्स आपने रियल एक्सिस पे डिस्टेंस कवर किया और वाई इमेजिनरी एक्सिस पे डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस आपका एक्स होगा और ये डिस्टेंस वाई होगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ पॉइंट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। सो मॉड्यूलस का जो मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है।
यदि ये है आपका इनिशियल पॉइंट ओ ओरिजिन, तो ओरिजिन से इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ज्योमेट्रिकली जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस फाइंड कर रहे हैं, तो आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब वो पॉइंट ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है। एंड बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये राइट एंगल ट्राइंगल एंड दिस लेंथ हो जाए इज मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस है। तो ज्योमेट्रिकली कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस एक रियल नंबर आएगा एंड विच डिनोट्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो आपने मॉड्यूलस फाइंड करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायरिंग का सम कर देना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब आप इसी बात को देखते हैं, सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये पॉइंट बनेगा एक्स कॉमा वाई, और एक्स कॉमा वाई का यदि आप डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बनाएंगे, तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है वो 0.0 है। और जब आप इस दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे विच इज स्क्वायर रूट ओवर एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर, तो दिस गिव्स यू स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो द मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। सो दिस इज ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट ऑफ द मॉड्यूलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है मॉड्यूलस का। सो नाउ हियर वी डिस्कस सम क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको कोई डाउट है इतनी बात में तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन है सर? हाँ बोलो सर। अगर स्क्वायर रूट है तो प्लस माइनस में खुलेगा ना? नहीं नहीं, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है इसलिए माइनस नहीं लेंगे, ठीक है? लेंथ को न्यूमेरिकली लेते हैं क्योंकि दिस डिनोट द डिस्टेंस, और जब डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है सो वी टेक पॉजिटिव साइन ओनली, ठीक है? लेंथ नेगेटिव नहीं होगा, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी क्वाड्रेंट में पहुंच जाए, फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो या फिर फोर्थ में हो, क्योंकि आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जब ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो डिस्टेंस मतलब लेंथ, और लेंथ हमेशा पॉजिटिव आई। सो कहने का मतलब जैसे मैं आपको ये चार कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ, इसके मॉड्यूलस यदि हम फाइंड आउट करें एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, और हियर वी टेक इट्स मॉड्यूलस मॉड z। और अब आप यहाँ पर यदि चारों क्वाड्रेंट में चार कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, जैसे मैंने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है, ये चारों क्वाड्रेंट में एक एक मैं सेम कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ जिनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेम है, बट साइन अपोजिट होने के कारण, साइन चेंज होने के कारण ये अलग अलग क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर लोगे 1 प्लस आई, दिस इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में इट इज माइनस 1 प्लस आई, थर्ड क्वाड्रेंट में इट इज माइनस 1 माइनस आई, और फोर्थ क्वाड्रेंट में इट इज 1 प्लस आई। चार पॉइंट है और चारों पॉइंटों का यदि आप ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे तो चारों भी केसेस में इन सभी का ओरिजिन से डिस्टेंस रूट टू आएगा, मतलब इन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस है ये स्क्वायर रूट ओवर टू आएगा, विच इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर हाँ बोलिए सर। फिर पता कैसे चलेगा अगर मॉड्यूलस दिया है तो कौन से क्वाड्रेंट का है? नंबर से, कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन ये था ना। बट सिर्फ मॉड्यूलस से पता नहीं चल सकता? नहीं नहीं, आपको कोई नंबर दे रखा है और वो नंबर किस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस है
तो देयर आर सो मैनी कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉड्यूलस एक ही आ सकता है. लेंथ तो बहुत सारे पॉइंटों की एक आ सकती है. ठीक है, मैं यदि यहाँ सेंटर पे एक पॉइंट रखूं और सेंटर पे एक पॉइंट रख के एक सर्कल ड्रॉ कर दूं 2 यूनिट का, तो वो 2 यूनिट डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स सर्कल पर, सर्कल के सरकमफेरेंस पर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट होते हैं. सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट. फिक्स्ड पॉइंट आपका सेंटर हो जाएगा. तो इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हो सकते हैं जिनका जो मॉड्यूलस है, जिनकी डिस्टेंस जो है वो एक फिक्स पॉइंट से सेम आएगी. तो इसलिए आप डिस्टेंस देख के ये नहीं बता सकते कि वो पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा होगा. ठीक है, सो ये तो मैंने 4 बनाए, और भी देयर आर सो मैनी नंबर जिनका मॉड्यूलस √2 आ जाएगा. सो √2 बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस हो सकता है. तो कभी ऐसा क्वेश्चन जनरेट नहीं होगा कि आपको लेंथ दे देंगे और आपको ये पहचानने को बोला जाएगा कि आप बताइए कि ये किस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस है. तो क्वेश्चन एक ही तरफ से आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर देंगे एंड फाइंड इट्स मॉड्यूलस, फाइंड इट्स लेंथ फ्रॉम ओरिजिन. और कोई डाउट आपका क्वेरी है तो पूछ लीजिए. टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. कुछ और क्वेश्चन अपन बनाएंगे, लेकिन एक और कंसेप्ट अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लेते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 चीजें हैं. एक तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस है, और दूसरी बात, जब आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को फिक्स कर दिया तो इसकी डिस्टेंस तो ओरिजिन से फिक्स हो गई, साथ में इसका एंगल भी रियल एक्सिस से फिक्स हो जाता है. मतलब ये जो एंगल होगा जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे, ये जो एंगल थीटा है, ये एंगल भी एक फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए फिक्स्ड हो जाएगा. सो नाउ हियर वी फाइंड दिस एंगल. यहाँ पर अपन इस एंगल की वैल्यू निकाल रहे हैं. जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो ये जो x कॉमा y है, दिस x कॉमा y इज कॉल्ड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एंड दिस पॉइंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब यदि आपने एक पॉइंट फिक्स किया तो उसके लिए x और y फिक्स हो जाएंगे, और साथ में जब यहाँ पर आपने पॉइंट फिक्स किया तो वो पॉइंट के लिए ये लेंथ और ये एंगल भी फिक्स हो जाते हैं. मतलब दिस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आपने अभी x कॉमा y लिखा है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको एक और कोऑर्डिनेट बताऊंगा विच इज कॉल्ड द पोलर कोऑर्डिनेट. पोलर में पोल जो वर्ड है वो ओरिजिन के लिए है. तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, वो इन टर्म्स ऑफ आर और थीटा लिखे जाते हैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये मॉड जेड को हम आर से डिनोट करेंगे, स्मॉल आर, और ये एंगल थीटा है. तो ये एक्स कॉमा वाई को हम आर कॉमा थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आप पढ़ेंगे हम इसको आर और थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और एक फिक्स पॉइंट के लिए आर और थीटा भी फिक्स होगा. इनको हम बोलेंगे पोलार कोऑर्डिनेट. तो क्वेश्चन वहां पर आता है कि कार्टेशियन को पोलार में कन्वर्ट करो, पोलार कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करो. मतलब एक्स वाई दिया होगा तो आर थीटा निकालो, आर थीटा दिया होगा तो एक्स वाई निकालो. ठीक है, सो मैंने आपको आर तो बता दिया कि आर कैसे निकालते हैं. नाउ वी कैलकुलेट कि थीटा आप कैसे फाइंड आउट करोगे, और थीटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एंगल कहलाएगा. यहाँ पर इस एंगल को हम एक नया नाम दे रहे हैं विच इज कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. सो नेक्स्ट हेडिंग है आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. सर हाँ बोलिए. सर वो मॉड एक्स की वैल्यू इमेजिनरी भी हो सकती ना? नहीं, मॉड एक्स इमेजिनरी कैसे आएगा? मॉड तो रूट के अंदर क्वांटिटी है, और रूट के अंदर क्वांटिटी कभी नेगेटिव बनेगी नहीं क्योंकि स्क्वायरिंग का सम है, और स्क्वायरिंग का जब सम करोगे तो नेगेटिव नहीं बनेगा, और जब नेगेटिव नहीं बनेगा रूट के अंदर तो फिर वो इमेजिनरी नहीं बनेगा. लेकिन अगर पॉइंट इमेजिनरी एक्सिस पे लाए करेंगे तो भी तो मॉड्यूलस पॉजिटिव ही आएगा. मैं केवल यदि आई ले लेता हूँ, इफ यू टेक जेड इज इक्वल्स टू आई, और जब आप जेड इज इक्वल्स टू आई को कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट करोगे तो ये जेड इज इक्वल्स टू आई कहाँ पर लाई करेगा? ये आपके कॉम्प्लेक्स प्लेन है, और जेड इज इक्वल्स टू आई का मतलब हो गया, आई का मतलब हो गया 0 प्लस आई.
और जीरो प्लस आई को जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिखेंगे तो जीरो कॉमा वन बनेगा, तो ये इमेजिनरी एक्सिस पे आ जाएगा और इमेजिनरी एक्सिस पे उसकी पोजीशन यहाँ पर कहीं होगी, इसे योर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू आई। अब मैं जेड इज इक्वल टू आई का यदि ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, मतलब मॉड जेड पूछ रहा हूँ, इसका मॉड्यूलस तो पॉजिटिव आएगा, वन यूनिट डिस्टेंस पे है ये, आप इसका मॉड जेड निकालोगे तो वो वन आएगा, ठीक है। सो मॉड हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, मॉड कभी, क्योंकि मॉड इज अ लेंथ और लेंथ आपकी रियल नंबर आएगी, पॉजिटिव रियल नंबर आएगी। ओके, चलिए, सो मूविंग ऑन टू आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अवर फोर्थ पेज। देखिए ये क्या बला है वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर अपना वही ले लिया, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई, वाई बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन इट्स आर्ग्यूमेंट is denoted by ARG, argument का short notation हम यहाँ पर लेते हैं, ARG of Z, argument of Z, and defined as an argument की जो definition है, it is tan inverse y upon x, मतलब tan inverse imaginary part of z divided by real part of z, ये आपका argument of complex number होगा। tan inverse y upon x, y imaginary part of complex number है और x real part of the complex number। अब geometrically तो मैंने आपको बता ही दिया कि geometrically angle जब आप किसी complex number का argument find कर रहे हो तो indirectly आप ये find कर रहे हो कि वो complex number को origin से join करने वाला line segment real axis से कितना angle form कर रहा है। ये जो theta है इस theta को ही argument of z बोलते हैं। मतलब यदि इस डायग्राम में मैं बात करूं तो इस डायग्राम में आप देख रहे हो ये हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है और यदि मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में अब टेन थीटा ले लेता हूं, इफ वी टेक टेन थीटा, तो टेन थीटा बनेगा वाई अपॉन एक्स अपोजिट अपॉन बेस एडजेसेंट, सो देयरफॉर दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan inverse y upon x and this theta is called the argument of the complex number. So यहाँ पर ये जो theta है ये ही theta argument of z कहलाएगा। So this is argument of z. So आपको बोला था कि जैसा coordinate geometry में cartesian coordinate और polar coordinate होते हैं तो जब आपको x plus iota y दिया है इसका मतलब आपको cartesian coordinate दिए हैं और जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड कर रहा हूं तो इनडायरेक्टली मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहा हूं, क्योंकि स्मॉल जेड रिप्रेजेंट स्मॉल आर एंड थीटा रिप्रेजेंट थीटा, थीटा को हम वहां पर थीटा ही लिखेंगे, आर कॉमा थीटा लिखते हैं और थीटा को हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोलेंगे। सो this is the definition of argument of any complex number, और ये मैंने formula भी verify कर दिया कि वो theta बराबर tan inverse y upon x लिखा कैसे है, तो वहां से tan theta y upon x आ जाएगा और ये right angle triangle में हमको angle की value मिल जाएगी। So geometrically argument find करने का किसी complex number का मतलब है कि वो complex number को origin से join करने वाला line segment रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो एंगल को हम यहां पर आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे।
अब आपने इसके पहले चार एग्जाम्पल देखे थे और वो चार एग्जाम्पल में आपने ये देखा था कि वन प्लस आई मैं लूं या माइनस वन प्लस आई लूं या माइनस वन माइनस आई लूं या फोर्थ क्वाड्रेंट में वन माइनस आई लूं। इन चारों भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस बिल्कुल सेम आता था, बट ये चारों कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम आर्ग्यूमेंट फाइंड करेंगे तो इन चारों कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आर्ग्यूमेंट की वैल्यू अलग अलग आएंगी, क्योंकि जब आप एंगल का मेजरमेंट करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल थीटा बनेगा, तो अब यही पॉइंट को जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में लिखूंगा मतलब माइनस एक्स प्लस आई वाई लिखूंगा मतलब यहाँ पोजीशन बनाऊंगा, तब उसका जो एंगल बनेगा वो एंगल थीटा नहीं बनेगा, वो एंगल थीटा से ज्यादा बनेगा। ऐसे जब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जाऊंगा तो एंगल और ज्यादा हो जाएगा, और जब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आऊंगा तो एंगल और भी ज्यादा हो जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में जाने से जब मैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेम रखता हूँ बट क्वाड्रेंट डिफरेंट करता हूँ, मतलब एक्स और वाई तो मैं एक्स और वाई लेता हूँ लेकिन एक्स और वाई के साइन चेंज करता हूँ, ठीक है, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में जाने के लिए न्यूमेरिकली सेम रख सकते हैं बट साइन अपोजिट करेंगे। तो जब आप डिफरेंट क्वाड्रेंट में जाओगे तो मॉड्यूलस सेम रहेगा, क्योंकि मॉड्यूलस दोनों की स्क्वायरिंग का सम होता है, और इसलिए जब मैं इनका साइन नेगेटिव भी करूंगा तो स्क्वायर करके जब आप ऐड कर रहे हो तो क्वांटिटी सेम ही आनी है, तो मॉड्यूलस सेम होता है बट डिफरेंट क्वाड्रेंट में जाने से आर्ग्यूमेंट चेंज हो जाता है। तो वो आर्ग्यूमेंट में चेंजेस आप कैसे निकालेंगे वो आप समझिएगा, लेकिन उसके पहले भी हम इसमें एक वर्ड और डाल रहे हैं जो कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में प्रिंसिपल सॉल्यूशन, वैसे यहां पर भी वर्ड है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। सो नेक्स्ट आपकी हेडिंग है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ये क्या होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को एक और नाम दिया गया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड बात एक ही है, कहीं कहीं एम्पलीट्यूड पूछते हैं कहीं कहीं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछते हैं, और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा आप ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करते थे, और आपको यहाँ पर भी बिल्कुल सेम डेफिनेशन है कि ये जो आपने थीटा निकाला है यदि ये थीटा आपका माइनस 180 से प्लस 180 के बीच में इस रेंज में लाई करेगा, बिल्कुल ये रिस्ट्रिक्शन आपने प्रिंसिपल सॉल्यूशन में भी डाली है, एंगल की वो वैल्यू जो माइनस 180 से प्लस 180 के बीच में आती है, देन थीटा इज सेट टू बी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एंड इज डिनोटेड बाय ए एम पी ऑफ जेड। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड को ऐसा लिखेंगे ए एम पी ऑफ जेड, ठीक है। सो ये आप समझ लीजिए कि हर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, बट हर आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता। थीटा की वो वैल्यूज जो माइनस 180 से प्लस 180 तक लाए करेंगी वो आपकी कहलाएंगी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, या फिर अपन उसको एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। सो एक बात आप बड़े अच्छे से समझ लीजिए कि यदि किसी क्वेश्चन में आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने आया है तो भी आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही निकाल के आओगे,
क्योंकि मोस्ट सुटेबल जो आपने जो अभी लाइन बोली समझी कि हर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट होता है बट हर आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं होता, इसलिए क्वेश्चन में यदि आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट पूछा है तो आप यदि उसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लिखोगे तो आप कभी भी गलत नहीं होगे, या प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही उसका लिखा जाता है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में केवल फर्क इतना है कि थीटा की वैल्यूज कभी भी आपकी, मतलब जो आर्ग्यूमेंट का आंसर है वो कभी भी आपका इस रेंज के बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट एक एंगल होता है, आर्ग्यूमेंट जब आप बोल रहे हो तो आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, एंगल। वो एंगल आपने आंसर जब करोगे तो ये चेक कर लेना कि एंगल आपका 180 से ज्यादा तो नहीं हो रहा या -180 से कम तो नहीं हो रहा, इस रेंज में लाई करना चाहिए। अब यदि आप ट्रिग्नोमेट्री में बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए कुछ स्टेप्स मैंने आपको वहां पर बताए थे, वही स्टेप्स मैं यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो पहले आप इसका स्क्रीन शॉट ले लें, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो आप देखें हेलो सर बोलिए सर, इसमें भी फिर क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा ना जब नेगेटिव क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। हाँ वही प्रिंसिपल आर्गुमेंट में जो वहां करते हैं वही यहाँ पे भी करेंगे, तभी तो 180 के बियॉन्ड नहीं जाएगा वो। तो देखिए, फॉर कैलकुलेटिंग प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, यदि आपको किसी भी क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो तो जैसा आप वहां पर करते थे ट्रिग्नोमेट्री में प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए, आप सबसे पहले क्वाड्रेंट मार्क कर लेते थे, क्योंकि आप जानते हो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो यदि मैं आपको साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने को बोलता तो साइन थीटा 1/2 मतलब साइन थीटा पॉजिटिव दो क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो वहां पर आप सबसे पहले क्वाड्रेंट मार्क करते थे। सिमिलरली प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालते वक्त आपने सबसे पहले जो काम करना है वो है आपका फर्स्ट यू फाइंड दी वैल्यू ऑफ अल्फा। सबसे पहले मैं अल्फा निकाल लूंगा, और अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है टैन इनवर्स मॉड वाई अपॉन एक्स। मतलब क्वाड्रेंट कोई सा भी दिया हो आप एक्स और मॉड लगाने का मतलब है एक्स और वाई को पॉजिटिव करके पहले आप केवल न्यूमेरिकल वैल्यू पता कर लो इसकी कि न्यूमेरिकली एंगल कितना आएगा। फर्स्ट वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा विच इज टैन इनवर्स मॉड वाई अपॉन एक्स। मॉड का मतलब है कि आपको क्वाड्रेंट कोई सा भी दिया हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ, आप केवल अल्फा का वैल्यू पता कर लेंगे, मतलब एक्स और वाई को पॉजिटिव करके न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अल्फा फाइंड आउट कर लेंगे। आफ्टर फाइंडिंग दिस वैल्यू अल्फा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए वी यूज दी फॉलोइंग टेबल। तो फर्स्ट वी कैलकुलेट अल्फा एंड देन we use following table.
फॉर फाइंडिंग प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. और ये टेबल क्या है? ये टेबल ये है कि यहां पर मैंने क्वाड्रेंट लिया है, चार ही क्वाड्रेंट है हमारे पास, और उसके बाद हमने प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिया है, मतलब थीटा. प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा, ये क्यू है, ये थीटा है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट. चार ही क्वाड्रेंट है हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट. अब आपका एंगल -180 से +180 के बीच में होना चाहिए. ये थीटा पे रिस्ट्रिक्शन है फॉर प्रिंसिपल आर्गुमेंट. कभी भी ये इस रेंज के बाहर नहीं जाना चाहिए. ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट पे रिस्ट्रिक्शन है. और आप जानते हैं कि जब आप क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए वी यूज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यही अपन वहां पर ट्रिग्नोमेट्री में भी करते थे, क्योंकि जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लोगे तो ये 0 से 180 डिग्री के बीच में बनेगा. तो जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो वी यूज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंड जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो वी यूज क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो यहां पर जो एंगल की वैल्यू आएंगी थर्ड और फोर्थ के लिए वो -180 से 0 तक आएगी, और फर्स्ट और सेकंड के लिए ये 0 से 180 तक आती है. दोनों को कंबाइन कर देंगे तो कभी भी अब आपका एंगल इस रेंज के बाहर नहीं जाएगा. तो जब भी आपने प्रिंसिपल आर्गुमेंट या आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर देख के आप सबसे पहले उसका क्वाड्रेंट बताओ कि क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कॉम्प्लेक्स नंबर, कि सेकंड में है, कि थर्ड में है, कि फोर्थ में. अब यदि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा तो जो आपका थीटा होगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट वही आपका अल्फा होगा. वो अल्फा आपने ऊपर निकाला होगा. सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आप क्या करोगे? सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जो आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट आएगा वो 180 माइनस अल्फा हो जाएगा. थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एंगल आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन से लेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल आप -180 प्लस अल्फा लिखेंगे. वैसे तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल लिखने के दो तरीके हैं. एक 180 प्लस भी लिखा जाता है, लेकिन 180 प्लस करोगे तो फिर वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं बचेगा, इसलिए हम -180 प्लस कर देंगे. तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल लिखा जाएगा. और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जो आपका थीटा होगा ये माइनस अल्फा. मतलब सीधा सीधा ये है कि फर्स्ट और फोर्थ में साइन अपोजिट हो जाते हैं, सेकंड और फोर्थ, सेकंड और थर्ड में भी साइन अपोजिट हो जाएंगे. तो आपने प्रिंसिपल आर्गुमेंट जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना है तो आप अल्फा निकाल लो. अल्फा निकालने के बाद क्वेश्चन देखो किस क्वाड्रेंट में दिया था. यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया है तो ये जो आपका थीटा है यही अल्फा हो जाएगा. यदि सेकंड में है तो ये 180 माइनस अल्फा, यदि थर्ड में है तो ये -180 प्लस अल्फा, और यदि फोर्थ में है तो ये माइनस अल्फा. और जब भी आप ऐसा लिखोगे तो आप कभी भी इस रेंज के बाहर नहीं जाओगे और वो आपका आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा. यही बात आपने प्रिंसिपल सॉल्यूशन के वक्त भी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी थी. तो ना इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लो. चलिए, बहुत अच्छी बात है. तो कुछ पॉइंट है नोटेबल, उसको ध्यान में रखिए. पहली बात यह है कि आप यदि आर्ग्यूमेंट ऑफ आर प्लस निकालते हो,
मतलब किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का आप आर्ग्यूमेंट निकालोगे तो पॉजिटिव रियल नंबर मतलब ओरिजिन के राइट हैंड साइड लाई करेंगे, मतलब इस रियल एक्सिस पे लाई करेंगे, और रियल एक्सिस पे लाई करने वाले किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट जीरो आएगा, मतलब 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, ऐसे यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब 1+1, 2, 3, 4, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट आएगा वो जीरो आएगा। सो यदि पॉजिटिव रियल एक्सिस पे कोई नंबर लाई करता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका आर्ग्यूमेंट जीरो आएगा। दूसरा, सिमिलरली यदि ये नेगेटिव रियल एक्सिस पर है तो फिर इसका आर्ग्यूमेंट आपका पाई आएगा 180, क्योंकि यदि यहां पर आ जाता है तो एंगल फिर 180 डिग्री बन जाएगा। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर विच लाइज ऑन नेगेटिव रियल नंबर इज 180। थर्ड, यदि ये आर्ग्यूमेंट ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है, मतलब इमेजिनरी एक्सिस पे है, तो आई आ गया, और आई आर प्लस इसके लिए एंगल बनेगा पाई बाई टू। यदि आपका आर्ग्यूमेंट आप निकाल रहे हो इमेजिनरी, मतलब यहां पर नेगेटिव वाई एक्सिस पर, तो ये माइनस पाई बाई टू आप लेंगे। मतलब ये हो गया आर प्लस का मतलब प्योरली रियल नंबर, तो प्योरली पॉजिटिव रियल नंबर है तो जीरो, प्योरली नेगेटिव रियल नंबर है तो पाई, प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो पाई बाई टू, और प्योरली नेगेटिव इमेजिनरी नंबर है तो फिर ये माइनस पाई बाई टू होगा। इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। और तीसरी एक लास्ट बात यहाँ पर कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो प्लस आयोटा जीरो इज नॉट डिफाइंड, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट है वो डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इसमें रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट जीरो हो गए, तब ये बनाएगा जीरो बाई जीरो, और जीरो बाई जीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसलिए याद रखें आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड, जीरो का आर्ग्यूमेंट डिफाइंड नहीं होता, मतलब ये जो सेंटर वाला पॉइंट है जीरो, इसका आर्ग्यूमेंट डिफाइंड नहीं है। सो इतनी बात में अब आपको कोई डाउट है तो पूछिए। डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में जाने से ही आर्ग्यूमेंट चेंज हो जाएगा, बट डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में जाने से ही मॉड्यूलस चेंज नहीं होता। ये आर्ग्यूमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, और एक जो बात मैंने आपको बताई कि कभी क्वेश्चन में आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने आए तो आप निकालोगे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, लेकिन यदि ऑप्शन में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वाले कोई ऑप्शन नहीं है तब फिर अपन आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। बट जनरली व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट आर्ग्यूमेंट, we calculate its principal argument, मतलब amplitude. So बिल्कुल principal solution से मिलता जुलता। Take the screenshot of this. तो ये modulus और argument दोनों आप अच्छे से कर लें। इनका utilization कुछ question में हम करेंगे अगली class में, अभी समय इजाजत नहीं दे रहा आगे बढ़ने की। हाँ बोलिए सर। अल्फा की हमेशा स्मॉलर वैल्यूज कंसीडर करना है ना? अल्फा की स्मॉलर वैल्यूज ही हमेशा कंसीडर करना है ना, जैसे दो बार हर मतलब हर फंक्शन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना, मतलब सेम साइन का। यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, मॉड। हर बार अब एक ही चीज आएगी, सेम ही आएगा। मॉड लगाने का मतलब है हमने पूरा क्वेश्चन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी क्वेश्चन आएगा, मॉड लगाने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचा देना है। मतलब मैं केवल एंगल फाइंड आउट कर रहा हूँ, मतलब मैंने हर बार क्या फाइंड किया है, मैंने सबसे पहले अल्फा निकाल रखा है। ये सपोज दिस इज अवर अल्फा, किसी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हम ये अल्फा निकाल लेंगे, और अब मैं अल्फा निकालने के बाद अपना कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से देखूंगा, और अब ये देखूंगा कि वो किस क्वाड्रेंट में था, क्योंकि हर बारी पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए। यदि मैं 1+i लेता हूँ, 1+i के लिए एंगल 45 डिग्री बनेगा, क्योंकि tan इनवर्स 1 आएगा। अब यदि आप -1+i ले लो तो -1+i ये एंगल बनाएगा, ये वाला एंगल होगा -1+i के लिए, ये एंगल। तो होता एक्चुअली ये है कि ये अल्फा है तो ये माइनस अल्फा होगा, तो
तो अपन 180 में वो माइनस अल्फा ऐड कर देते हैं तो पाई माइनस अल्फा हो जाता है। तो हर बार ही एंगल तो सेम ही बनेगा। अब मतलब ये वाला जो एंगल है इट इज इनडायरेक्टली इक्वल्स टू दिस और ये आपका पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। अब मैं यदि इसी क्वेश्चन को फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाता हूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप इसको 1 माइनस आई लिखते। अब ये भी अल्फा पे डिपेंड करता है, ये अल्फा लिया और चूंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये माइनस अल्फा। तो सब कुछ अल्फा पे डिपेंड करता है इसलिए मैं सबसे पहले अल्फा निकाल लेता हूँ। मतलब क्वेश्चन आपको किसी भी क्वाड्रेंट में दिया हो मैं सबसे पहले एक्स और वाई पॉजिटिव करके ये बना लेता हूँ 1 प्लस आई। इसके लिए न्यूमेरिकल एंगल एंगल निकाल लिया अल्फा एंड वंस वी गेट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एंगल बस फिर उसके बाद अपन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर देते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये माइनस 180 प्लस अल्फा आ जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल होगा और ये माइनस 1 माइनस आई होगा और यहाँ पर एंगल की वैल्यू आप ये कंसिडर करोगे और ये वैल्यू आपकी एंगल की जो है वो माइनस 180 प्लस अल्फा आएगी। तो सब कुछ जो एंगल है इसके लिए अपन माइनस 180 प्लस अल्फा, तो सब अल्फा पे डिपेंड करता है इसलिए अपन ने अल्फा पहले कैलकुलेट किया। तो अल्फा चेंज नहीं होगा, अल्फा किसी भी क्वाड्रेंट में चले जाओ अल्फा सबके लिए सेम आएगा। मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अल्फा निकालूं पाई बाई 4 आएगा, इसका अल्फा भी पाई बाई 4 आएगा, इसका अल्फा भी पाई बाई 4 आएगा, इसका अल्फा भी पाई बाई 4 आएगा। अल्फा सबका सेम आएगा किसी भी क्वाड्रेंट में हो, बाद में क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अपन एडजस्ट कर देंगे उसको। समझ गया रोशन सर? मतलब जैसे यहाँ पे अभी अपन ने मॉड लगाया वाई और एक्स के ऊपर, फिर अपन जो अल्फा की वैल्यू है उसको अपन पहले अपना कॉम्प्लेक्स नंबर देख के क्वाड्रेंट के हिसाब से अल्फा की वैल्यू एडजस्ट करते, तो सर वही अगर अपन मॉड को हटा ले तो अपन फिर बाद में भी तो एडजस्ट कर सकते ना। अपन को अगर नेगेटिव वैल्यू है 10 की तो अपन थर्ड क्वाड्रेंट मानेंगे उसको। बात वही है, सेम करने का तरीका वही है, लेकिन अपन एक सीक्वेंस में उसको ले जाके कर रहे हैं। ठीक है, आप यदि विदाउट मॉड लगाए तो फिर अल्फा को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट थीटा ही निकाल सकते हैं क्योंकि अब अपन कैपेबल है। लेकिन जो बेसिक आइडिया है इसका वो यही है कि पहले अल्फा निकाल लो बाद में अल्फा को एडजस्ट करते रहो। यदि अपन ने बहुत अच्छा सीख लिया है तब अपन को अल्फा को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं, अपन डायरेक्ट थीटा ही कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? हाँ सर, ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, तो बाकी करेंगे अगली क्लास में, आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन।